गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, जो फोम का ऑर्डर दिया था वो लाने, ग्लास का ऑर्डर दिया था वो लाने। अभी ग्लास का पता नहीं बट फोम का ऑर्डर दिया था वो हो गया है, मतलब रेडी है वो, तो वो लेने जा रहे हैं हम लोग और बाकी का भी काम करके आता है। तो जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं और वहाँ पर जो भी होगा वो आपको दिखा दूंगी। तो चलिए चलते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने होम डेकोर के लिए और कुछ ऑर्डर किया था, वो भी आ गया है, वो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा एक एक ब्लॉग में। तो बस यहाँ पर निकल रहे हैं हम लोग, सारे काम करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे, क्योंकि काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाले काम। और जल्दी जल्दी ये काम हो जाएंगे ना, फिर बाकी के काम भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जैसे कि घर के जो काम हैं, जैसे कि ये सामान सारा मिल गया कि घर के भी सारे काम जल्दी हो जाएंगे। आशीर्वाद होम का काम हो गया है, मतलब वहाँ से हमने सब कुछ ले लिया है और अब हम आए हैं यहाँ पर पूनम प्लाईवुड एंड हार्डवेयर में। तो यहाँ का भी सब कुछ काम कर लेंगे और उसके बाद जाएंगे MIDC जो उस दिन गए थे वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे काम करके फिर जाएंगे घर। यहाँ का भी काम हो गया है, अभी हम लोग जाने वाले हैं MIDC। तो MIDC चल के मिलती हूँ आपसे। चला किशोर भाऊ दुकान टाकले त्यांनी, हो ना मोठे लोकांचं काम आहे हे। यहाँ पर पहुँच गया अभी MIDC। और हाँ, मैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं यहाँ पर रहती हूँ उनको मैंने मैसेज कर दिया, बट अभी वो पता नहीं पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। मैंने कमेंट पर रिप्लाई कर दिया कि मैं यहाँ पर आई हूँ, बट अभी पता नहीं उनसे मिलना हो पाएगा या नहीं। अभी वो आ जाए यहाँ पर तो हो जाएगा मिलना, अगर वो मैसेज लेट पड़े तो नहीं हो सकता। चलिए अभी ग्लास तो रेडी हो गया है हमारे, यहाँ से लेके जाते हैं। वैसे कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन अच्छी मिलती है यार, यहाँ पर है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन सस्ती है और यहाँ पर थोड़ी सी महंगी लग रही है मुझे। पता नहीं यार, हर जगह की क्वालिटी का फ़र्क होता होगा। हाँ क्या क्या कर रहा है? क्या हाँ चलो गाइस आ गए हैं घर पे, खाना खाना है अब और फिर मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली मेरे वो सब्सक्राइबर को मैंने मैसेज किया था बट उन्होंने कुछ मैसेज देखा नहीं होगा तो इसी वजह से वो नहीं आ पाए वहाँ पे और हम लोग आ गए घर पे। तो गाइज ये है मेरे पास 4 शीट मास्क, जो 2 पर्पल के हैं और 2 गुड वाइब्स के हैं। तो इसमें से ही मैं एक लगाने वाली हूँ अभी, और कौन सा लगाने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो ये है मेरे पास पर्पल के 2 शीट मास्क, जो स्नो शीट मास्क है एक, और एक चारकोल शीट मास्क है, और उसके बाद गुड वाइब्स का एक ग्रीन टी शीट मास्क है और लिली शीट मास्क है। तो ये रेडियंस शीट मास्क है, ये स्किन प्यूरिफाइंग शीट मास्क है,
और उसके बाद ये जो है वो चारकोल शीट मास्क है, इसमें चारकोल एक्सट्रैक्ट है, ये कीप काम एंड एक्सपोलिएट शीट मास्क है, इससे आपकी स्किन एक्सपोलिएट होती है। और उसके बाद ये है टाइम टू हाइड्रेट, मतलब इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। और कोकोनट एक्सट्रैक्ट है इसमें, ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये शीट मास्क, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा शीट मास्क है। उसके बाद ये शीट मास्क जो है वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये रेडियंट शीट मास्क है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है, मतलब इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी। तो गाइज अभी पर्पल पे गेट गॉर्जियस सेल चल रहा है, तो अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा इन प्रोडक्ट पे आपको, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो गेट 100 तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और जो बेस्ट सेलर ब्रांड्स है जैसे कि वाई आयुर्वेदा है, जैसे कि NYB है, गुड वाइब्स है, पर्पल है, अस्पा हलाल है, और बहुत से ब्रांड्स है, जो भी ब्रांड्स है जो बेस्ट सेलर ब्रांड्स है उस पे फ्लैट 15% ऑफ भी मिल जाएगा आपको। तो ये जो शीट मास्क है आप ले सकते हो, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें से मैं लगाने वाली हूँ ये लीली वाला शीट मास्क, ये रेडियंस शीट मास्क है, और बहुत अच्छे शीट मास्क होते हैं गुड वाइब्स के, पर्पल के, और मुझे शीट मास्क तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो ये वाला लगाने वाली हूँ। इसमें भर भर के सीरम होता है जो आपकी स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है, और देखो कितना ज्यादा सीरम है इसमें, जो 7 दिन आप सीरम अप्लाई करते हो ना, 1 हफ्ते तक जो सीरम आप अप्लाई करते हो उतना सीरम एक शीट मास्क में आपको मिल जाता है, तो इतना सीरम आपको इसमें मिलता है, वजह से सोच सकते हो कि आपके स्किन को ये कितने अच्छे से हाइड्रेटेड रखता होगा। तो ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे, बस इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है, और आधे घंटे के बाद आपको इसको रिमूव करना है, जो सीरम है आपके स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद आपको रिमूव करना है, और आप देखना इतनी अच्छी स्किन हो जाती है ना इससे, आपकी बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लगती है आपको स्किन, बहुत ज्यादा ग्लो करती है इससे आपकी स्किन, बहुत अच्छी हो जाती है स्किन। अभी तक शीट मास्क यूज नहीं किया ना, एक बार शीट मास्क जरूर यूज करके देखना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो चलिए अभी इसे अप्लाई कर लिया है, इसे रिमूव करूंगी कुछ देर के बाद, और बाकी के काम करूंगी। इन शीट मास्क को परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए। एक्चुअली आज कारपेंटर भैया हमारे यहाँ पे खाना खाने वाला है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मतलब उनका काम ज्यादा दिन का बचा नहीं है, तो इसी वजह से हमने बोला उनको कि आज हमारे घर पे खाओ, तो आज उनको पाहुनचार बोलते हैं हमारे सेट में, वैसा ही टाइप का थोड़ा सा, तो ज्यादा नहीं कर पाई। तो क्या क्या है बता देती हूँ आपको, ये श्रीखंड लाने जा रहे हैं, कुछ मीठा होना चाहिए तो इसी वजह से श्रीखंड लाने जा रहे हैं। श्रीखंड नहीं पता आपको तो दही का बनता है, सर्च कर लेना, और मैं आपको मेनू दिखाती हूँ आज के, तो सही बना है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, बट क्या क्या बना है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ है, और ये है सब्जी मिक्स वेज, उसके बाद दाल है और राइस है, और श्रीखंड लाने ही जा रहे हैं।
देखो मेरा बर्थडे गिफ्ट आ गया है, एक उसमें से मतलब जो बड़ा वाला है जो मुझे चाहिए था वो आ गया है, और आपको दिखा देती हूँ अभी। और मेरे जो कुर्तीज़ है वो एक एक आ रही है, तो इसी वजह से वो आपको बाद में ही दिखा दूंगी एक हॉल में। यहाँ पर ये मेरी वॉच है, स्मार्ट वॉच गिफ्ट है मेरा ये। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी है, एप्पल वॉच है यार, स्मार्ट वॉच 30,000 की नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिया है, वो दिखाई दूंगी मैं आपको, एक एक करके आ रहा है ना, इसी वजह से मैंने सोचा चलो पूरे आ जाएंगे तो आपको दिखा दूंगी उसके बाद। करके देखने का मजा नहीं आता है, सब आ जाएंगे ना तो उसके बाद आपको दिखा दूंगी, क्योंकि एक एक आ रहा है, एक एक आ रहा है, मतलब पता नहीं अभी सारे कब आएंगे और सारे कब आपको दिखा दूंगी। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो अभी मेरी वॉच होगी ओपन। नाराज क्यों? पप्पा से और मेरे से क्यों? व्हाइट बेल्ट, इसका चार्जर है शायद से। हाँ, चार्जर है। पप्पा किसका अलग है? पापा किसका अलग है? थोड़ा सा मुझे भी चाहिए। अरे रुको भाई, जरा सबर करो मुझे भी चाहिए थी। आपको वो वाली वॉच समझ में जाती है, बोलो रख टाइम के अपने। ये दिखाओ, ये देखो मेरी वॉच जो पूरा एप्पल का लुक दे दिया यार, जबरदस्त वॉच है, बहुत बढ़िया। और इसका बेल्ट देखो, मुझे व्हाइट ही चाहिए था, व्हाइट ही चाहिए था। एक मरून था वो भी लूंगी मैं पक्का, मतलब उसमें नहीं, मैं वो लेने वाली हूँ, पापा को बोलने वाली हूँ, मुझे चाहिए वो भी। एक मरून चाहिए, मरून मतलब बरगंडी टाइप में एक कलर है, वो चाहिए बेल्ट। और ये अभी इसका बेल्ट पता नहीं अभी, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अभी वो चार्ज करेगी और उसके बाद ऑन होने के बाद मेरे रिस्ट पे वो हमेशा के लिए रहेगी, मतलब मुझे चाहिए थी कब से स्मार्ट वॉच। इनके लिए भी हाँ, बर्तन धोते हुए भी मैंने उनको कल यही बोला कि मैं बर्तन धोते हुए भी वो पहनूंगी क्या, ये बोले थोड़ी देर के लिए उतार देना। मैंने बोला मेरे जान पे नहीं आएगा क्या, बर्तन धोते हुए भी उतार दो, वाटर प्रूफ है वो, कोई टेंशन नहीं है उसका। बट मुझे देखो पसीना कितना आया है, ऑयली हो गई है पूरी की पूरी स्किन। और माही वो अभी कवर नहीं निकालना चाहिए था ना, पहले चार्ज पे लगाओ अच्छे से, वो निकाल देंगे। ठीक है ठीक है, तो चलिए आ गया है मेरा बर्थडे गिफ्ट एक ही, जो दूसरे है कुर्तीज वगैरह वो एक एक आ रहा है, तो इसी वजह से एक ब्लॉग में अच्छे से दिखा दूंगी आपको वो भी। सब कुछ आने का था ना, तो इसी वजह से बर्थडे के दिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे, मतलब ऑनलाइन अगर परचेस करते हो तो ऐसे ही होता है, मतलब कब आता है कब नहीं। देखो लगा दिया है माही ने चार्ज पे, ऑन भी हो गया, ऑन हो गया। चलो अभी मेरे रिस्ट पे दिखेगी आपको हमेशा के लिए वो वॉच। अभी थैंक यू भी नहीं बोल सकती हूँ इन्हें, क्योंकि खाना खा रहे हैं, बाद में बोल दूंगी। अच्छा, पूरा क्लीन हो गया ना। उधर वाले रूम का भी निकालना पड़ेगा। अद्विक अच्छा लग रहा है ना? हाँ, वो क्या बोल रहे हो, वहां से आप पीछे से वायर डालो बोल रहे हैं, वहां से बटन है ना इसके पीछे से वायर, जो मेल फीमेल वाला है ना वो सिर्फ रखो बोलते यहाँ पे, वो स्विच मत लगाओ। नहीं ना, इन तो रात को ही लगेगी ना, निकले हा लावणार कसा, लावता नहीं येत ना, ते सर फिट केला आहे तिथे, जर लावतो म्हटलं तर कसं लावणार नाही सांग बरं। मग थँक यू सो मच वॉच के लिए। दोनों सेम सेम हो गए अभी, इनकी ब्लैक है, मम्मा की वाइट है। और मम्मा हां ये हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, हमें बात तो करने दो। देखो ये सेम सेम, अरे मेरा तो दिख ही नहीं था तो इनका ब्लैक और मेरा व्हाइट। हाँ बोलो, ये देखो अलग अलग ड्रॉवर्स होते हैं। हाँ हाँ, अलग अलग ड्रॉवर्स हैं, बराबर है, यहाँ की चॉकलेट्स के लिए। हाँ हाँ, देखो ये फोम आ गया है जो हेडबोर्ड बनाना है उसके लिए, और उसके बाद ये तो आपने देख ही लिया है मैंने जब निकाला था। हाँ, मैट्रेस टाइप में। और ये माही के ड्रेसिंग टेबल को लग गया है ग्लास। हाँ, हाँ बेडशीट नहीं, वो मैट्रेस। हाँ हाँ, मैट्रेस बोलते क्या बोलते इसको, ये स्लीपवेल ब्रांड का है यार, अच्छी ब्रांड का है। फोम 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 मतलब
हाँ हाँ उसमें से सोफा निकलता है ऑटोमेटिक। ये वाला हेडबोर्ड बनेगा उसी में, और उसी में उधर वाला भी हेडबोर्ड बनेगा। ये तो बहुत ज्यादा मटक रही है, देखो अभी के अभी ये क्लीन किया और अभी के अभी आपने ग्लास को हाथ लगा के गंदा कर दिया। पहले से थक गया, मैंने सोचा चलो आपने ग्लास को हाथ लगा के गंदा कर दिया। और हाँ, आप में से कोई बोल रहा था कि ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो आप माही का हाथ पहुंचता है वहां तक, और वैसे स्टूल तो आएगा ही यहाँ पे। और वैसे भी वो ऊपर के शेल्फ में क्यों लिया वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ज्यादा काम नहीं, हाँ बैंगल्स ज्यादा यूज नहीं करती है, हेयर बेल्ट वगैरह वहां पर रख सकती है माही, तो हेयर बेल्ट अपने आप निकल जाएगा आगे रखेगी तो। और माही का हाथ पहुंच जाता है, दिखाओ माही हाथ, पहुंच जाता है उसका हाथ, इसी वजह से टेंशन नहीं है। लाइट का उधर नीचे है, ये देखो एक, हाँ हाँ दीदी बोलो, हाँ 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 नहीं 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 ऊपर नहीं, आपको आदत हो जाएगी उसमें, कुछ जाओगे फिर। ये बहुत हेवी है, हेवी है, और इसके अंदर अधिक क्या करूँगा मैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, चलो इसमें क्या करूँगा मालूम है मैं? हाँ हाँ और इसमें क्या करेंगे मालूम है? हाँ इसके अंदर नीचे, हाँ अरे तो खुलता नहीं वो प्लाई, वो नहीं खुलता बेटा, वहाँ पर प्लाई लगा हुआ है। चलो नीचे चलते, चलो 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 जल्दी से, हाँ वो भी नहीं खुलता, मुझे शिफ्ट होने का मन कर रहा है, जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ 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 क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है क्या दी? हाँ हाथ हाँ बस लग गया, हाँ बस, हाँ हाँ सबको पता है वो। चलो चलो नीचे चलो, ये था। हाँ अजीक, चलो यहाँ पे कपड़े के साथ, और भी हूं। बहुत क्लासी है, शाइन चाइनी अजीक जैसा, बघा छान वाटून ये, एका नॉब मुळे एवढं लुक येत आहे याच, बघा म्हणजे पहिल्यांदा एकदम असं पांढरं पांढरं वाटत होतं, पण नॉब मुळे पा किती मस्त लुक आला। आपण अशा टाईपचे नॉब घेतले असते तर आणखी चांगलं झालं असतं, पण ते असं मिळालं नाही आपल्याला, हे असे आतमध्ये आणि गोल्डन असे, हां ब्राऊन कलर आतमध्ये आणि गोल्डन, तसे आता ते व्हाईट पण चांगलं दिसत आहे म्हणा, ते तर आणखी चांगलं वाटतं, पण ते सूट झालं असतं त्याच्यावर। हां तिथेच द्या लावून, हो 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 लावा। सारी क्लीनिंग हो गई है घर की, मतलब शाम की जो कारपेंटर जाने के बाद क्लीनिंग होती है, वो झाड़ू मार लिया है, पोछा मार लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया है सब कुछ, और सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है, बारीक धूल जमा हो जाती है वो मुझे डेली क्लीन करनी पड़ती है, तो वो सब कुछ हो गया है। आज क्या क्या नया लगा है वो दिखाती हूँ आपको, बहुत पसंद आने वाला है आपको भी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और टेबल का पूरा जो पॉलिथीन है निकाल दिया है, और इतना अच्छा लग रहा है ना टेबल, अभी मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना टेबल, देखो इसके नॉब लग गए, मैंने बोला था ना आपको कि नॉब लगने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसके नॉब लग गए हैं, इसकी पॉलिथीन उतार दी है उन्होंने, यहाँ पर जो क्लीन करना होता है, जैसे कि ये सरफेस क्लीन करना होता है, मतलब इसको घसना होता है ताकि ये हमें चुभे ना इसी वजह से, तो वो पूरा घस लिया है, और इतना सुंदर लुक आ रहा है ना, जितना कैमरा में नहीं दिख रहा है उससे ज़्यादा अच्छा रियल में दिख रहा है ये। और इसके ऊपर ये वाला शो पीस इतना अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा डेकोर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो। आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, मतलब मेरी चॉइस और आपकी चॉइस मिलती है या नहीं ज़रूर बताना मुझे, और आपको अच्छा भी नहीं लगा ना फिर भी बताना मुझे, मतलब मुझे तो पता चले कि हाँ कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी इसमें। और यहाँ पर ना ये की होल्डर लगाया है, तो ये कैसा लग रहा है देखो, सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर एक वो था ग्लास था जिसपे फ्लावर पॉट रखते थे हम लोग, बट अब ये की होल्डर लगा दिया ना, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
अरे यार इसके ये जो नट है इसके साथ आए थे ना ब्लैक कलर के, वो नहीं लगाए उन्होंने, अपने पास के लगाए शायद, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ अभी, तो वो कल लगाने के लिए बोल दूंगी उन्हें। ये जो नट है वो इसके साथ आया है ताकि ये दिखे ना ऐसे, ब्लैक कलर के आए हुए है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पर, मतलब अभी की गुम नहीं होगी हमारी कोई भी। ये है ब्लैक कलर के, ये ढूंढ लिए माही ने, तो ये है और उसके साथ आए हुए। अभी ये रख दो माही, मतलब अंकल आने के बाद उन्हें दिखाएंगे। और हाँ पहले ना की बहुत ज़्यादा गुम हो जाती थी हमारी और मिलती नहीं थी, फिर इधर उधर ये ड्रॉअर में ढूंढो वो ड्रॉअर में ढूंढो फिर मिल जाती थी। तो अभी वहाँ पर टांग देंगे सब आने के बाद, मतलब एक आदत लगा देंगे वहाँ पर टांगने के लिए। वहाँ पर भी था एक की होल्डर बट वो इतना भर गया था, क्या बोलते हैं उस पर ही सब कुछ, मतलब की भी उस पर ही और ईयरफोन्स भी उस पर ही, सारा कुछ उसी पे लटका देते थे। तो अभी ये अच्छे से लगा दिया है तो इस पर कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ कीज रहेगी बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। तो अच्छा लग रहा है अभी वो, मुझे वो भी बताना कैसा लगा आपको तो। और हाँ जो आपको मैं बोला था ना कि क्या बोलते हैं, जो मैंने किचन के लिए लाया था हैंग करने वाला, कप्स हैंग कर सकते हैं उसको स्पैचुला वगैरह हैंग कर सकते हैं, तो वो हैंगर बताना ही भूल गई मैं उन्हें कि लगा दो करके, वो कल लगाने के लिए बोलूँगी उन्हें और वो कल लगा के देंगे अभी। तो चलिए गाइस अभी फ्रेश होती हूँ, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आता है वो आपने क्लिक किया या नहीं, उसको आप ऑल पे क्लिक करना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपकी कंप्लेंट होती है कि दी नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो उसी की वजह से नहीं मिलते हैं, आपने साइड का जो बेल आइकॉन है वो दबाया ही नहीं होता है, उसे ऑल पे क्लिक करना, सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और दोनों चैनल को भी चेक कर लेना एक बार, वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।